वीडियोस। हेलो नमस्कार, मायसेल्फ अनिल कुमार यादव सूरज। स्टूडेंट, यदि आप हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। यदि आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि पहला चैप्टर है लेसन 1 क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न से बनाया जा रहा है वीडियो, और इसमें हम आज बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बारे में। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके वीडियो में बनाना स्टार्ट कर दिया हूं, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको अब फिजिक्स का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करें हम थ्योरी की, तो अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मैं भी थ्योरी आपको दूंगा लेकिन बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। जैसे अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया कुलाम का नियम, तो कुलाम का नियम आप समझ गए होंगे किस तरह से, उसी तरह से मैं आपको हर एक परिभाषा को कैसे याद करें और वो क्या है उसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट आपको पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पड़ता है न्यूमेरिकल। और थ्योरी की बात करें तो थ्योरी तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं, नोट से पढ़ सकते हैं, या आपका श्योर सीरीज जो भी आएगा उससे आप पढ़ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं जिससे आपको परेशानियां नहीं होगा। तो परेशानियां दूर करने से पहले हम आपको बता दें, कुछ लोग हिचकते हैं सब्सक्राइब करने में कि भाई सब्सक्राइब कर ले पता नहीं क्या होगा, पैसा कटेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताते हैं जिसके माध्यम से आपको सवाल लगाना पड़ेगा। जैसे कुलाम का नियम अगर बात करें तो कुलाम के नियम में दो आवेशों के बीच वैद्युत बल संबंधी जो नियम है उसका फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कुलाम के नियम द्वारा बल संबंधी नियम ये है। अब ये फॉर्मूला तो आप यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होगा ये भी आपको बताया जाएगा। जब दो आवेश रहेंगे और उसके साथ साथ कोई दूरी दिया रहेगा या कोई बल दिया रहेगा तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और भी कौन कौन से फॉर्मूले, हम पहले फॉर्मूले को दिखा देते हैं फिर क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। यदि आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो ये F इजिकल टू ये दो आवेशों के बीच दूरी के लिए फॉर्मूला है, ये आप नोट कर सकते हैं, और जहाँ पे क्या किसका नाम है वो भी इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ बात करें हम दूसरा फॉर्मूला, तो उसमें लिखा है दूसरे फॉर्मूले में एक बिंदु आवेश क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र अगर पूछता है तो उस स्थिति में आपको अप्लाई करना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगला फॉर्मूला देखा जाए, एक वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर पूछेगा तो उस कंडीशन में P इजिकल टू 2aQ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से बारी बारी नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि मैंने आपको वो फॉर्मूला दिखाया था उससे मैं ये लगा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं सवाल लगाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला इसका यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। तो यहाँ तक देखने के बाद थोड़ा और आगे देख लीजिए, तो आगे का फॉर्मूला है एन अन्य आवेशों के कारण आवेश पर बल यदि पूछता है तो ये FI = FI1 FI2 इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देख लीजिए, विद्युत अभिवाहक का भी बल है, उसके साथ साथ अनंत लंबाई के लिए भी है, और लास्ट में है एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उसकी विषुवतीय रेखा पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अगर पूछता है तो ये अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया फॉर्मूला, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ कुलाम तथा 3×10⁻⁷ कुलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके ही बुक से लिया गया है, और पेज नंबर अगर बात करें तो 46 से 48 के बीच में आपको
मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपका राइटर अलग अलग हो तो हो सकता है ना मिले, लेकिन 46 से 48 में अगर आप देखेंगे या उसमें कोई भी क्वेश्चन मिलाएंगे तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए, और स्टेप बाय स्टेप हम बताना शुरू करेंगे। देखिए, दो चीजें आपको ध्यान देना है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, फिजिक्स में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय पहली चीज ये ध्यान देना कि आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनके बीच कितना बल है। पता चल गया हमें क्या पूछ रहा है, बल, मतलब F इज इक्वल टू हमें पूछ रहा है। अब दूसरी चीज क्या ध्यान देना है, हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। जैसे इसमें दिया है वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर, दूरी पूर्व बोला है ना, तो दूरी किसको कहते हैं, अगर बात करें तो दूरी R को प्रदर्शित करते हैं, वो दिया है 30 सेंटीमीटर, ये मैंने रख लिया। आगे क्या बोला है, दो छोटे आवेशित गोलों पर, तो दो छोटे आवेश होंगे क्रमशः, ये मान दिया गया है, तो आवेश को हम Q1 Q2 कहते हैं, तो वो लिख लेंगे Q1 इज इक्वल टू 2×10⁻¹ कूलाम, और Q2 इज इक्वल टू दिया है ये वैल्यू 3×10⁻¹ कूलाम, ये मान आपको तो मिल गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद उनके बीच का कितना बल है वो बल्ब का फॉर्मूला लगा लेना है, तो बल का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। उसके पहले ये देखिए R बराबर जो वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर में है ये, तो इसको चेंज करना है इसमें मीटर में चेंज करेंगे, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मिल जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो उनके बीच लिख लेते हैं यहां पे, माना उनके बीच लगा बल, उनके बीच लगा बल मैंने F मान लिया। अब इसका लगा लेते हैं फॉर्मूला, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r². ये फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। अब इस पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो चलिए वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। एक चीज और यहां पे हम थोड़ा सा बता देते हैं, 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है के, ठीक है, जो कि विमाहीन के क्या है, हमारा नियतांक है, और इसकी जो वैल्यू है कूलाम के नियम से देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, ये होता है, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे उठाकर रखेंगे। चलिए मान रख लेते हैं, तो F इज इक्वल टू 9×10⁹, ये हो गया ब्रैकेट में। Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 की वैल्यू ये दिख रहा है 2×10⁻¹, Q2 की वैल्यू रखेंगे ये 3×10⁻¹, ये हो गया बटे आर स्क्वायर, तो R की वैल्यू मैंने कितना निकाला है, R बराबर मैंने निकाल लिया है 0.3, तो इसको लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर, तो लिख लेंगे 0.3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, इतना क्लोज, समझ में आ गया। मान तो मैंने रख लिया, बस इसको हल करने आना चाहिए, अगर आपको हल करने आ जाता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, तो देखिए ये जो है 9×10⁹ छोड़ देते हैं, 6×3 = 6 हो जाएगा, 6×10⁷, 10⁷ मिलकर हो जाएगा 10⁴ बटे के, इसको हल करते हैं तो 3 का स्क्वायर 3×3 = 9, और ये जो पॉइंट में है दो स्थान पर रहेगा, तो उस दो स्थान को क्या करेंगे, हम उसके पावर माइनस लगा लेते हैं, तो वो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, इसकी बात समझ लीजिए। अब ये 9 से 9 मैंने कैंसिल कर दिया, पावर -2 में है, और ये भी -2 से काट लेते हैं, तो मिल जाएगा क्या, यहाँ पे 10⁻⁹ ऑलरेडी है और यहाँ पे 6 है, तो लिखेंगे 6×10⁹ और गुड़े इसमें बचेगा 12 10⁻¹², या 6×-12 में से इस 9 को घटा लेते हैं, तो मिल जाएगा 10⁻³, और ये F जो है, F का मात्र क्या होता है, न्यूटन बल, इसके लिए हमें ये वैल्यू जो मिला है उनके बीच की दूरी कितना होगा, 6×10⁻³ न्यूटन, और ये मात्रक लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जिसका मान निकाल रहे हैं उसका मात्रक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, 0.4 μC आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 N बल लगता है, यदि दूसरे गोले पर 0.8 μC आवेश हो तो। इसमें दो क्वेश्चन है, ए नंबर लिखा है दोनों गोलों के बीच की दूरी होगी,
बी दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ये दो क्वेश्चन हैं और इसके साथ साथ इसके सारे डिटेल्स इसमें दिया गया है। अब मैंने दो चीजें आपको क्या क्या बताया था फिर से बता देते हैं। पहली चीज ये बताया था कि क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो क्या पूछ रहा है, हम पहले ए को सॉल्व करेंगे तो ले लेते हैं ए, तो ए को सॉल्व करेंगे पहले उसके बाद बी को। दोनों गोलों के बीच की दूरी पूछ रहा है, दूरी मतलब आर, ये हमें पूछ रहा है, तो हमें उद्देश्य पता चल गया क्या निकालना है। सेकंड नंबर मैंने बताया था कि क्या क्या मान दिया गया है, तो वो मान आपको लिख लेना है। देखिए क्या क्या दिया है, यहां पे लिखा है 0.4 माइक्रो कूलम आवेश, तो इससे हमें पता चल रहा है ये वैल्यू किसकी है, ये आवेश की वैल्यू है, लिखा है ना 0.4 माइक्रो कूलम आवेश, तो ये Q1 की वैल्यू दिया गया है, Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम। अब यहां पे तो मैंने लिख लिया Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम, लेकिन एक थोड़ा सा यहां पे दिक्कत यह है कि ये कूलम नहीं है, ये माइक्रो कूलम है, इसको हमें चेंज करना होगा, किसमें, कूलम में चेंज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में अगर माइक्रो लग गया तो उसका वैल्यू 10^-6 लगाकर माइक्रो को हटा लिया जाता है, मतलब 0.4 में अगर हम 10^-6 लगा लेते हैं माइक्रो का तो वो हो जाएगा केवल कूलम। इससे क्या पता चला, Q1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.4 × 10^-6 कूलम, ये मान हो गया Q1 का। अब इसी तरह Q2 का मान देखते हैं क्या दिया गया है, Q2 इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो, तो ये भी मान ले लेते हैं Q2 इज इक्वल टू, तो लिखेंगे 0.8 माइक्रो कूलम, तो इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 × 10^-6 कूलम, या Q2 इज इक्वल टू मिल गया 0.8 × 10^-6 कूलम। तो हमें दो मान मिल गया, एक यहां पे दूसरा कूलम और ये पहला कूलम, दोनों कूलम की वैल्यू तो हमें मिल गया। अब उसके साथ साथ क्वेश्चन में और क्या दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में और लिखा है गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल, क्या लग रहा है, बल लगता है, बल मतलब एफ इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन दिया गया है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और ये ऑलरेडी न्यूटन में दिया गया है, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो हमें मान तो मिल गया Q1 Q2 F की वैल्यू, तो हम चलिए कूलम के नियम से सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैंने A नंबर सॉल्व करना शुरू कर दिया, लिख दिया माना दोनों गोलों की दूरी R है, ठीक है, यही मुझे ज्ञात करना था, तो लिख दिया माना दोनों गोलों की दूरी R है। इसके बाद फॉर्मूला लगा लेते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r2, यह फॉर्मूला हमें ज्ञात करना है इस R की वैल्यू, तो यहाँ पे इस R को यहाँ भेज देते हैं, F को यहाँ भेज देते हैं ताकि हमें R का मान निकाल ले, r² = 1/4πε0 Q1 Q2/f, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बदल लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इन सभी का वैल्यू पुट करना है, चलिए वैल्यू पुट करके हम मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/4πε0 ये k है और इसकी वैल्यू जो मैंने पहले ही लिखा था वही लिख लेते हैं, 9×10^9, ये हो गया इसकी वैल्यू, ब्रैकेट में Q1 Q2/f, तो Q1 Q2 का मैंने जो वैल्यू निकाला था वो रख लेते हैं यहाँ पे 0.4×10^-6 Q2 की वैल्यू है 0.8×10^-6, ये मैंने रख लिया, अपान एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या आया था 0.2 न्यूटन, ये मैंने वैल्यू सभी का रख लिया। रखने के बाद अब बस आपको एक काम करना है, इसको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करने आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, ये 0.2 से 0.8 को काट लेते हैं, तो यहाँ में मिल जाएगा 0.4, तो 9×10^9 और ये 0.4 गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.6 और 10^6 हो जाएगा 10^-12, ठीक है, और नीचे तो हमारा हट गया। अब इसके बाद अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है एक पॉइंट, इसको हटाने के लिए एक इसमें जोड़ लेते हैं, -13 हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 16, तो 16×9 है ना, लिख लेते हैं 16×9 ये मिल गया, और 10^9 और 10^13 हो जाएगा क्योंकि एक दशमलव मैंने इसको हटाने के लिए एक
इसमें पावर जोड़ दिया है, तो ये 13 और ये 9 घटाएंगे तो मिल जाएगा 10^-4। यह मिल गया। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 16^-144, तो कर लेते हैं 144^-10^-4, यह मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू टोटल है आर स्क्वायर बराबर, है ना, ये आर स्क्वायर बराबर मिल रहा है, तो हमें केवल आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको रूट में भेजेंगे, तो रूट में भेजने से क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो डायरेक्ट हमें ये रूट में मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा आर इज इक्वल टू 0.12, ये मीटर में मिल जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा केवल 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे रूट में तो मिल जाएगा 0.12 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना आ गया आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब बी नंबर सॉल्व करते हैं, तो बी नंबर क्या था, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो यहाँ पे बोला क्या है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, तो हमें पता चल गया है कि Q2 पर, दूसरा गोला क्या है Q2, पहला गोला Q1 है, तो Q2 पर Q1 के कारण बल हमें ज्ञात करना है। ये चीजें तो क्लियर हो गया कि क्या ज्ञात करना है, Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात करना है। फिर आगे देखिए, इसलिए स्थिर वैद्युत बल युग्म में दृष्टिगोचर होता है, क्या समझ में यहाँ पे है, स्थिर वैद्युत बल युग्म में दृष्टिगोचर होता है तथा यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करेगा, तो F इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे F21 इज इक्वल टू Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगा बल। ठीक है, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगा बल, हमें Q2 पर बल लगा ज्ञात करना है, तो Q2 पर लगा बल क्या दिया गया है, मान 0.2 न्यूटन, ये बल हमारा दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2/r2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो पुट करेंगे तो इसके जो वैल्यू है 9^10^9 ब्रैकेट में Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू क्या है 0.4×10^-6, और Q2 पर हमें निकालना है जबकि यह दृष्टिगोचर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस में 8×10^-6 बटे के आर स्क्वायर, आर की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है वो है 0.12 मीटर में था, स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू मैंने ए में निकाल लिया था, ए नंबर में, तो ये वैल्यू मैंने रख दिया, रखने के बाद बस इसको आप सॉल्व करना है, तो चलिए इसको बारी बारी से हम सॉल्व कर लेते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। देखिए क्या करना है आपको, इसको छोड़ देते हैं 9×10^9, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0.4 और ये 0.8 इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा -0.32, ये हो गया 10^-12 बटे के ये है, तो इसको लिख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो मिल जाएगा 0.0144, ये मैंने स्क्वायर कर लिया। अब इसके बाद देखिए, अब हमें इसका दशमलव हटाने के लिए इसमें पावर जोड़ना पड़ेगा, तो ये देखिए एक एक दो स्थान पे दशमलव है, तो दो पावर इसमें जोड़ लेते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा, तो लिखेंगे ये माइनस को बाहर कर लेते हैं 9×32, ये 9 और इसको मैंने 32 कर लिया, और इसका दशमलव मैं इसमें इंक्लूडिंग कर लूंगा, 10^9 ये हो गया, और ये हो जाएगा 10^-12 पहले से, और ये दो मिलकर हो जाएगा -14 बटे, इसको हल कर लेते हैं तो इसको करेंगे 144 बना लिया, और इसका जो दशमलव हटाने के लिए कितना जीरो बढ़ाएंगे 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो नीचे गुणा करेंगे तो उसको लिख लेते हैं 10^-4, ये हो गया, और ये टोटल न्यूटन बल निकालना है। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं, तो ये पावर पावर से कैंसिल करेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 बार, यहाँ पे 10 बार बचेगा 9 से कर लेते हैं, तो मिल जाएगा -9×32×10^9 यहाँ पे बच जाएगा -1/144, ये हो गया। अब सिंपल सा इसको हम काट लेते हैं, ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू मिल जाएगा -0.2 न्यूटन, ये वैल्यू आपका मिल जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा, F की वैल्यू हमें ये मिल गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना वैल्यू -0.2 न्यूटन बल, वो भी आकर्षी लगता है, आकर्षी
लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला वीडियो समझ में आ गया होगा। मैं ये पहले वीडियो में बस दो क्वेश्चन इसलिए बताया हूं क्योंकि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपका क्वेश्चन शुरू से बताना शुरू करूंगा और फास्ट बताऊंगा। एक एक नहीं, दो दो तीन तीन वीडियो डेली अपलोड करूंगा यदि आप कहते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।